सेकेंड टाइम भी देखा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। दीपिका पादुकोण ज्यादा अच्छी लगी मेरे को नयनतारा से। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों निषाद सिनेमा में आए हम, पूरी बॉलीवुड प्रेमी की टीम। जवान आके देखा है हमने यहाँ पे, हमारे साथ में फर्स्ट इडियट गोलू, सेकेंड इडियट विघ्नेश, और मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब भी है, अनन्या का भाई बोल रहे तो सबने देखी है जवान यहाँ पे। सबसे पहले तो थिएटर का एक्सपीरियंस हम स्ट्रगलर से जान के लेंगे, कैसा लगा निषाद सिनेमा में जवान देखने। ये यहाँ का साउथ मुंबई का आइकॉनिक थिएटर, और यहाँ पे शाहरुख सर को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स का घर भी है, तो मैं काफ़ी बार यहाँ विजिट कर चुका हूँ, लेकिन दो बार गेटी में देखना, एक बार मल्टीप्लेक्स में देखने के बाद जब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ आउटस्टैंडिंग था। चौथी बार देख रहा है। 5 out of 5 दिया था उसने, 5वीं बार भी देख लूँ बादशाह के लिए। लेकिन इस एक्सपीरियंस एकदम अलग था यहाँ पे, कि मेरी टीम पूरी साथ में थी यहाँ पे, आप सबके साथ में देखने का एक अलग ही था। और बस क्या बोलना चाहूँगा, शाहरुख सर तो मतलब 4 बार देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि और 4 बार देख लूँ, और 4 बार देखूँ। क्या बात है, मन नहीं भर रहा है हमारे स्ट्रगलर का। जो रोल है वो एकदम हटके रोल है। ओके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम मुझे वो छोटी बच्ची का भी अच्छा लगा, और फैबुलस था उसका काम। बाकी तो अभी और देखते हैं फिर, मेरे हिसाब से तो जवान एकदम बम्पर, मतलब क्या कलेक्शन हो रहा है। करेक्ट, वो धमाल कलेक्शन किया है जवान ने। यस, मतलब अराउंड कल तक का कितना 386 हिंदी ग्रॉस आया है सिर्फ आता हूँ अभी फर्स्ट के पास में। मैं वो आपसे जानने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सेकंड अगर पार्ट बना रहे हो तो थोड़ा नयनतारा और शाहरुख का केमिस्ट्री ज़्यादा दिखाओ, बहुत कम केमिस्ट्री दिखाया है। लेकिन मैं तो बोलना चाहूँगा कि दीपिका पादुकोण ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को नयनतारा से, नयनतारा उसके सामने फ्लॉप लगी। ये बॉलीवुड की हीरोइनों का बात, दीपिका दीपिका है। यस, दीपिका है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को, ये जो पुलिस वाले का रोल किया आज़ाद करके सलमान सर ने, ये ऐसा सलमान बोलो शाहरुख सर ने, सॉरी, क्योंकि यार पुलिस वाले का रोल आता तो सलमान भाई याद आते हैं। नहीं, लेकिन ये उनके लाइफ के करियर की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें शाहरुख सर पहली बार पुलिस ऑफिसर बने, जेलर बने, तो ये बहुत आइकॉनिक रहा उनके लिए पिक्चर, उनके जर्नी में। और मैं आई थिंक सो सेकेंड या थर्ड टाइम देख रहा हूँ, और यहाँ पे साउथ बॉम्बे का बहुत ही आइकॉनिक थिएटर माना जाता है निशा। पहला जी का शुक्रिया करूँगा हमारे पूरे बॉलीवुड प्रेमी के टीम की तरफ से। और यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस हमेशा ही एक अलग सा रहा है, इसके पहले भी हमने 2-3 पिक्चरें देखी हैं, लेकिन अब फिर से जब मैंने जवान देखी तो कुछ अलग ही माहौल मिला और अलग ही एक्सपीरियंस मिला। तो थैंक्स टू पलाज जी, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेमा आई हैव सीन इन साउथ। क्या बात है, मज़ा आया हमको यहाँ पे जवान देखने का। ये भी बड़े दूर से आया है, बड़ी दूर से आया है, इतने गर्दी में ट्रेन में आया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का? सर जी, एक्सपीरियंस तो बहुत ही लाजवाब रहा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने देखी थी, हमने देखी थी गेटी गैलेक्सी में, शोर शराबा भरपूर था, होना भी चाहिए, शाहरुख खान है भाई, खान है, यस, तो शोर तो होना ही चाहिए। लेकिन इस बार जब मैंने देखा, ऑडियंस तो थी लेकिन शांति के साथ देखा मैंने, मतलब कि ज़्यादा शोर, हर डायलॉग सुनाई दिया, या हमारा मेन मोटिव तो यही रहा। फर्स्ट टाइम हमने जब देखी थी डायलॉग्स ठीक से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहे थे, तो हमने इस बार प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ देखा। एंड सच बोल रहा हूँ, मतलब कि सेकेंड टाइम भी देखा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। भले ही प्रेडिक्टेबल थे, जो जो सीन्स हमने पहले भी देखे हैं सब प्रेडिक्टेबल है, बट फिर भी मज़ा आया। ये चाहना था। एंड कलेक्शंस भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। पहले दिन ही मतलब हिंदी बेल्ट में 65 crores आए थे, एंड साउथ में मतलब टोटल मिला के 75 crore के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑडियंस का जो भी है, आज भी क्रेज़ है, आज भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब प्यार दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। एंड सेकेंड पार्ट भी मैं वही बोलूँगा कि जल्द से जल्द लेके आओ, हम आएंगे। एंड जैसे बोला था, नयनतारा और शाहरुख सर का केमिस्ट्री थोड़ा और दिखाना चाहिए। एंड एक और चीज़ है, एक और चीज़ मेरा लेके आया और यार गोली आ गई। एक और रिक्वेस्ट है, अगर सेकेंड पार्ट ला रहे हो, इसमें नयनतारा जी का थोड़ा बैक स्टोरी भी लेके आओ, कि उनके बच्ची का और उनका बाप कौन था, तो वो भी थोड़ा सा हाईलाइट करो, थोड़ा स्टोरी बनाओ। हमारे साउथ के डायरेक्टर तो क्रिएटिव है ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ इडली कुमार, इडली मुंबई वाले बोलते हैं इडली कुमार, इडली है वो, इडली है। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ का वापस जवान देखने का। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अभी के अभी टिकट बुक करिए, जाके देखिए इस वीकेंड में जवान, शाहरुख खान की जवान। थैंक यू।